21वीं शताब्दी को इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से चला रही है, लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी का एक झटका हमारे शरीर को लग जाए तो हमारी जीवन लीला खत्म हो सकती है। अगर आपको लगता है कि 440 वोल्टेज का झटका किसी की जान ले सकता है तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे हरियाणा के दीपक कुमार की, जो बिना टेंशन के हाई टेंशन वायर को भी छू सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर्स के अनुसार 2700 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी मनुष्य की जान लेने के लिए काफी होता है, लेकिन हरियाणा का एक शख्स दीपक कुमार, जिनकी बॉडी 11000 वोल्टेज के इलेक्ट्रिक शॉक को भी झेल सकती है, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे ना। यकीन मानिए, मेरा भी यही हाल था। दीपक सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। दीपक को एक्सीडेंटल उन्हें इस टैलेंट के बारे में पता चला जब वो अपने ही घर पर हीटर रिपेयर कर रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी जब वह एक डीवीडी प्लेयर की मरम्मत कर रहे थे। जब दीपक ने महसूस किया कि वह विशेष है और इस चमत्कार को भगवान का उपहार मानते हैं। अपने इस टैलेंट के बारे में पता लगने के बाद दीपक ने अलग अलग डिवाइसेज और वोल्टेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उनकी बढ़ती जिज्ञासा ने सारी हदें तोड़ दी जब वह अपने गांव के इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर चढ़ गए, जिसमें 11000 वोल्टेज की लाइन गुजर रही थी। ये अविश्वसनीय प्रतिभा से आश्चर्यचकित होने के बाद दीपक के शिक्षक ने उन्हें डॉक्टर को दिखाने और जांच कराने की सलाह दी। डॉक्टर ने उसके शरीर के सारे जरूरी टेस्ट किए और उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। दीपक की मां के अनुसार बेटे की प्रतिभा उनके दिवंगत पिता का आशीर्वाद है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने दीपक को बिजली के साथ जानलेवा काम ना करने की चेतावनी दी है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।